ये देख लीजिए गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गांधी मैदान में पटना, या युवा शक्ति बिहार प्रगति के द्वारा यहाँ पे बिहार दिवस 2023 में यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ पे आपको बिहार का जितने भी पर्यटक चीज़ है, खेल कूद से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक मेला टाइप का लगता है, यहाँ पे नीतीश कुमार भी आने वाले हैं इनका आयोजित करने के लिए। ये देख लीजिए कितनी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। अभी तो हम लोग दिन में हैं और रात का भी नज़ारा है, क्योंकि रात में रुकेंगे तो रात का भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये है व्यंजन मेला बिहार दिवस का, यहाँ पर भी तैयारी चल रही है। यहाँ पे पूरा एकदम चारों तरफ मेला लगा हुआ है, कितनी बेहतरीन है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं देखो, बिहार दिवस का यहाँ बहुत दूर इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से मिलेगा आपको देखिए। चलिए अंदर आपको और दिखाते हैं नज़ारा। गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये रहा गांधी मैदान का ये नज़ारा पूरा, आपको हमने दिखाया है इसका नज़ारा। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हो रही है और नीतीश कुमार भी यहाँ पे आने वाले हैं इनका सही से उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि ये बिहार दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल 2023 को। आज यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि ये बंगाल से अलग हुआ था इसी दिन को, इसलिए इसकी खुशी में इसको मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार दिवस 22-24 मार्च 2023 में आपका हार्दिक स्वागत करता है युवा शक्ति बिहार की प्रगति में। ये देख लीजिए, और देख लीजिए यहाँ पे हैशटैग बिहार दिवस 2023 को यहाँ पे कितने अच्छे से बेहतरीन से बनाया गया है, ये नज़ारा देख लीजिए। तो गाइस, अभी पता चला है हम लोगों को, एक मीडिया वाला यहाँ पे आए हुए थे, उनके माध्यम से हम लोगों को मालूम चला है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है हमारे बिहार के CM नीतीश कुमार सर, वो शाम 6 बजे यहाँ आएंगे उद्घाटन के लिए, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर देखते हैं हम लोग शाम तक रहते हैं तो शाम का भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोग। गाइस, यहाँ पे सांस्कृतिक पवेलियन चल रहा है, ठीक है, अंदर में भजन कीर्तन जो भी होते हैं वो सब यहाँ पे है। यहाँ पे नीतीश कुमार की फ़ोटो और तेजस्वी यादव का भी फ़ोटो लगाए हुए हैं स्वागत के लिए, ठीक है।
तो बिगाड़ देगा मेरा।
यह बिहार हमारा है। अनेक राज्यों में एक राज्य यह हम सबका प्रदेश और दक्षिण में है झारखंड, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में है झारखंड। मेहनत यहाँ पे है सब करते, चाहे हो बरसात या ठंड। लिट्टी चोखा बड़े चाव से यहाँ के लोग खाते हैं, लिट्टी चोखा बड़े चाव से यहाँ के लोग खाते हैं। होली दिवाली के साथ साथ छठ महापर्व भी मनाते हैं। भरे भरे भी बात कर रहे थे कि हम बिहारी हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कभी कभी एंकरिंग भी कर लेते हैं, कभी गाय भी सुना देते हैं, दो कविता सुनाना है। तो अभी एक कविता है, कविता का शीर्षक है निकल गया वह बिल्ली, कि बिल्ली ने भी लेसे कर ली जमकर खूब लड़ाई, कि बिल्ली ने भी लेसे कर ली जमकर खूब लड़ाई, उन्हें बचाने अगल बगल की पड़ोसन न आई। कि बिल्ली ने एक झाड़ू लेकर बिल्ले को दिया झाड़, कि बिल्ली ने एक झाड़ू लेकर बिल्ले को दिया झाड़, उसने जो दो तीन मूछ थी उनको दिया कबाड़। हमारे सुबह में भी आज काव्य गोष्ठी हुई थी, उसमें बहुत लोग उपस्थित नहीं थे शायद, तो यहाँ अभी तो कोई बात नहीं, सुबह का मजा मैं अभी दे देता हूँ। तो सुबह एक कविता सुनाई थी जिसका शीर्षक था ज्यादा तेज मत बनो। हमको देख के आपका ही मन में यही चल रहा होगा, समझ सकते हैं, तो मेरी बातों को दोहराइएगा कि भुकाओ नहीं ज्यादा फेज मत बनो, कि भुकाओ नहीं ज्यादा फेज मत बनो और ज्यादा ज्यादा तेज मत बनो। क्लास का बात है कि होम साइंस चल रहा था, कुछ तो जल रहा था, दोस्त मेरा जंगली नाक में डाला उंगली, मैडम बोली कलुआ कैसे बनता है हलुआ, मैडम बोली कलुआ कैसे बनता हलुआ, आता था हमको जता दिए खड़ा होकर बता दिए। मैडम बोली, मैडम का जवाब सुनिएगा कि मैडम बोली कांटों का सेज मत बनो और ज्यादा। नमस्कार, आप देखिए आपके साथ में, देखिए आज करने वाला भी है, आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे, बाकी मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन अभी जहाँ आगे
हेलो हेलो हाँ वो आ रहा है सही कहा।